एक विद्यालय के अंदर ऐसी घटना हुई कि जिस घटना ने शर्मसार कर दिया है मानवता को। और वास्तविकता यह है, जब आप लोगों को इस बात का पता है कि विद्यालयों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को विद्यालयों में स्कूलों में पढ़ाते क्यों हो? गुरुकुल अपने पास में बहुत सारे हैं, आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में क्यों नहीं पढ़ाते हो? करनी कथनी में अंतर है, तन उजले मन काले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। और कहने वाले कह जाते हैं सुनकर सुनने वाले। ये परिस्थिति हमारे साथ में वास्तविकता बन चुकी है, हो रही है। मंचों से लच्छेदार भाषणों को आप सुन सकते हो, तालियां बजा सकते हो। तालियां बजा करके जैसे ही आपने इस गेट के बाहर कदम रखा, तो यहां की बातें आप यहीं छोड़ करके चले जाते हो। घर पे तो सब वैसे के वैसे। मैं निवेदन कर रहा था, भाषण देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। कवि ने लिखा, जटा जूट अल्फी गलमाला, ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे। जटा जूट अल्फी गलमाला, मूंड मुंडाया कंबल काला, स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला, भाषण में विवरण दे डाला। करनी कथनी में अंतर है, तन उजले मन काले, सार्थक तभी है जीवन में जो डाले। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हो, यदि उनको अच्छा बनाना चाहते हो, तो विकल्प केवल हमारे सामने एक ही है, और वो विकल्प है गुरुकुल रूपी विकल्प। इसके अलावा न अन्य पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा कोई रास्ता हम लोगों के पास में नहीं है। भारतीय संस्कृति को बचाने का रास्ता केवल गुरुकुलीय रास्ता है। यदि आप अपने बच्चों को चाहते हो कि साहब हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, तो वो भी संस्कार गुरुकुल के ही अंदर मिलते हैं। मैंने देखा दिल्ली के अंदर दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए आमने सामने, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और बातें करते करते एक व्यक्ति उनमें से बोला कि मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, अपना सारा पैसा लगाया, जो जमा पूंजी मैंने जीवन भर में की थी इकट्ठा, वो सारी की सारी लगाई, विदेश में उसको पढ़ने के लिए भेज दिया, और आज मुझे बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि मेरा बेटा अमेरिका के अंदर लगभग 50 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है, मेरी मेहनत सफल हो गई। सामने बैठा हुआ वो बूढ़ा आदमी, उसने अपनी आंखों को उठाया और उठा करके कहता है कि मैं अपने बच्चे को अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ा करके, मैंने उसको मेहनत करके पढ़ाया। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं अपने बच्चे को विदेश तक भेजता, लेकिन हाँ, जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने उसे पढ़ाया। मेरा बेटा 20,000 रुपए की नौकरी करता है दिल्ली के अंदर, पर मुझे गर्व इस बात का होता है कि मेरा बेटा शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खाता है। तो पढ़ाई वो अच्छी है या ये वाली अच्छी है? इसलिए लिखा कवि ने, विनाश का समय नजदीक है, और दयानंद याद आएगा आपको उस समय जब सारी धरती पर अंधकार छा जाएगा। लिखा कवि ने क्या, आर्यो तुम खामोश रहे तो, आर्यो तुम खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी जब बस्ती में तो याद दयानंद आएगा, आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा। आर्यो तुम खामोश रहे तो, आर्यो तुम खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी जब बस्ती में तो याद दयानंद आएगा, आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा। और कैसे आएगा दयानंद याद? सन्नाटे के पीछे से यहाँ आएगी बस एक सदा, सन्नाटे के पीछे से यहाँ आएगी बस एक सदा, यहाँ नहीं कोई यहाँ नहीं है, इस घर में है कोई बचा। बंगाल के अंदर भी कल एक घटना हुई, 8 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया।
यहाँ नहीं कोई, यहाँ नहीं है इस घर में है कोई बचा। सजा सजाया जहाँ धधकती, सजा सजा जहाँ धधकती, लपटों में फंस जाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में तो या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा। आर्यो तुम खामोश रहे तो, आर्यो तुम खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आए। कलियों की महक खिलते फूलों की झुलस जाएंगी पंखुड़ियां, कलियों की महक खिलते फूलों की झुलस जाएंगी पंखुड़ियां। लगता है नजदीक पशुता के तांडव की अब घड़ियां, लगता है नजदीक पशुता के तांडव की अब घड़ियां। लड़िया खुशी की टूटे अंधेरा, लड़िया खुशी की टूटे अंधेरा उजाले को धमकाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में तो या दयानंद आएगा। आर्य तुम खामोश रहे तो, आर्य अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा। और वक्त की कीमत समझो निकल जा मुट्ठी से मखमल की तरह, वक्त की कीमत समझो निकल जा मुट्ठी से मखमल की तरह। बसते नगर घर गांव उजड़ कर बन जाए जंगल की तरह, बसते नगर घर गांव उजड़ कर बन जाए जंगल की तरह। दुल्हन की तरह सजते रहे तो, दुल्हन की तरह सजते रहे तो कल क्या इतिहास बताएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। आर्य तुम खामोश रहे तो, आर्य अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। लोगों ने कहा साहब समस्याएं गिनाते हो, आर्य समाज के मंच पर केवल समस्याएं बताते हो आप। मैंने कहा समस्याएं बताते नहीं है, समस्या बताने के साथ साथ उसका समाधान भी हम ही करते। बोले क्या समाधान है? यदि ये पूरी दुनिया सुखी रहे तो इसका समाधान क्या है? मैंने कहा वो भी दुनिया के अंदर केवल आर्य समाज के लोगों के पास में ही मिलेगा, और किसी के पास में नहीं मिलेगा। बोले क्या समाधान है? मैंने कहा सुनो, भारत क्या पूरे ही विश्व के बचने का बस मार्ग है आज। भारत क्या पूरे ही विश्व के बचने का बस मार्ग है आज। वैदिक सभ्यता संस्कृति का बिगुल बजावे आर्य समाज, वैदिक सभ्यता संस्कृति का बिगुल बजावे आर्य समाज। राज समझ वेदों का कर्मठ, राज समझ वेदों का कर्मठ, जन जन ही सुख पाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। आर्य तुम खामोश रहे तो, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आग लगेगी जब बस्ती में या दयानंद आएगा। अरे आग लगेगी जब बस्ती में याद दयानंद आएगा।
अरे आग लगेगी जब बस्ती में तो या दयानंद आए।